नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आपके अपने चैनल पे। बात आज होगी मीन राशि की, और कैसा रहेगा सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना। इन चारों महीनों का राशिफल मैं आज आपको इकट्ठा दूंगा, जिससे आप आने वाले सभी 4 महीने जो बचे हैं इस साल के, उसकी आप प्लानिंग कर पाएँ। ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर होगा, बहुत ही जनरलाइज्ड होगा। आपकी कुंडली पर विशेषता क्या असर होगा वो आपकी कुंडली को देखकर बताया जा सकता है। उसके लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये राशिफल होगा चंद्र राशि पर आधारित। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सितंबर के महीने से, कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, ये सप्ताह, ये जो महीना रहेगा आपके लिए थोड़ा सा चेंजेस लेकर आएगा। हालांकि इसका जो पूर्वार्ध की अपेक्षा मैं अगर कहूँ तो उत्तरार्ध की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, यानी कि बाद के जो दिन रहेंगे वो थोड़े से अच्छे रहेंगे। कुछ नई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा बहुत सावधान तरीके से चलें सितंबर के महीने में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शुरुआती दौर जो रहेगा इस महीने का, वो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा रहा है। कुछ ऑफिशियल यात्राएं आपकी होती हुई दिखाई दे रही हैं, अधिकारियों के साथ संबंधित प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय कुछ ज़्यादा ठीक नहीं कहा जा सकता। कुछ एकाग्रता की कमी उनको देखनी जो है देखने को मिल सकती है। हालांकि दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा रहेगा। और जो चिंताएं आपको होंगी, उन चिंताओं में आपकी तरफ धर्म पत्नी या आपके पति का आपको बहुत अच्छा साथ यहाँ पर मिलेगा। साथ साथ परिवार की जो परिजने हैं उनके उनके से भी आपको बहुत अच्छा सहयोग यहाँ पर प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें खराब हैं। व्यापारियों के लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा, निवेश अच्छा कर सकते हैं आप। और जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा अनुकूलता पूर्वक रह सकता है। माह का पूर्वार्ध आपके लिए परिवर्तन ज़रूर लेकर आएगा, लेकिन जो भी परिवर्तन होंगे उससे आपको काफ़ी अच्छी सीख मिलेगी। और आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब वाहन चला रहे हैं तो आपको वाहन चलाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मंगल का जो मार्गी होना है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, इससे आपका स्थिति में सुधरन होगी। तो अगर मैं पूरे महीने सितंबर को देखूं तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा मिक्स बैग की फीलिंग आपके लिए रहेगी ये पूरा महीना। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी बहुत अच्छा तो कभी कुछ अच्छा, ये वाली स्थिति आपकी रहेगी। हालांकि लव लाइफ आपकी अच्छी है, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा है, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा है। अब बात करूंगा अक्टूबर महीने की, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ आप दोनों दबा दीजिएगा। मीन राशि वालों, अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा के लिए हालांकि सामान्य रहेगा, आपकी पदोन्नति के योग बनते हुए दिखाई देंगे और आर्थिक रूप के दबाव जो आपको सितंबर में थे वो अब आपके ख़त्म होने लगेंगे। आपको काफ़ी अच्छे गेंद्स यहाँ होते हुए दिखाई देंगे और आपको बहुत अच्छे सोर्सेज, नए सोर्सेज आपके बनेंगे, जिससे आपकी धन की स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। जो आपकी जो समस्याएं चल रही थी, जैसे मैंने आपसे शुरू में ही कहा, ये समस्याएं आपकी अब ख़त्म होती हुई दिखाई देंगी। पारिवारिक सुख अभी भी बना रहेगा और काफ़ी अच्छे से आपको सहयोग मिलेगा। घर में आपके उस सब जैसा माहौल हो सकता है, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी मांगलिक कार्य भी संपन्न यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं व्यापारियों के लिए भी समय श्रेष्ठ कर रहेगा, इस दौरान व्यापारिक लाभ में वृद्धि होगी और शेष लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे। आप चाहें तो इसमें निवेश भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों की जो समस्याएं सितंबर में शुरू हुई थी वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई देंगी। भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। और जो परीक्षाएं आप देने वाले हैं उनमें आप बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस यहाँ करते हुए दिखाई देंगे। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर कोई शारीरिक समस्याएं आपकी चल रही थी तो आपको इनसे मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। जो व्यापार करते हैं उनके लिए भी ये प्रथम सप्ताह बहुत अच्छे जो है परिणाम लेकर आएगा, और नए जो निवेश है उससे भी आपको फायदा होगा और व्यापारिक लाभ में श्रेष्ठ योग बनेंगे। जो इस माह जो गुरु का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि में होगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। तो अगर हम देखें तो सितंबर के महीने में जो ऊंच नीच आपने देखी थी, अक्टूबर में आते आते तक वो सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। तो सितंबर का महीना थोड़ा सा संभाल कर चलने का है, बाकी फिर बल्ले बल्ले है आपकी। नवंबर के महीने के बारे में बात करेंगे तो थोड़ी सी यहाँ स्ट्रेस ज़रूर बने मिलेगा, लेकिन पूरा जो महीना रहेगा वो काफ़ी अनुकूलता वाला रहेगा।
यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आपको पारिवारिक सुख में देखने को मिलेगी, कुछ वैचारिक मतभेद आपके उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन आप अपने कार्य में बहुत मेहनत के साथ लगे रहेंगे और जिससे वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप ओवरकम करते हुए चलेंगे। आपका जो पर्सनल फ्रंट रहेगा और आपका जो प्रोफेशनल फ्रंट रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, वहीं जो फाइनेंस की स्थिति है वो भी यहाँ सुधरेगी। अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते थे या मकान या प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करना चाहते थे तो समय जो रहेगा वो सही रहेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, लेकिन गाड़ी चलाते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नौकरी वाल पेशा वालों के लिए समय अनुकूल रहता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान संबंध और सहकर्मियों से आपके काफ़ी अच्छे संबंध बनते हुए दिखाई देंगे। आपको सबकी प्रशंसा प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं आपको जो महत्व चाहिए था वो आपको मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा, आपका मन अध्ययन में लगेगा जिससे कहीं ना कहीं आपके परिणाम अच्छे आएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये 2 महीने अक्टूबर और नवंबर के महीने बहुत अच्छे हैं। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलने के कारण आपके जो परिणाम है वो श्रेष्ठ रहेंगे। मंगल का गोचर आपके लिए कुछ परेशानी जरूर लेकर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, जिससे आपका मानसिक स्ट्रेस बढ़ेगा। साथ ही साथ लास्ट के दिनों में नवंबर में कुछ व्यापारियों को भी संभाल कर चलना है और हालांकि बहुत बड़े नुकसान की यहाँ पर आवश्यकता नहीं दिखाई देती और ना ही कोई बहुत बड़ा निवेश आप करते हुए दिखेंगे, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से चलने की हिदायत मैं आपको दूंगा। कुल मिलाकर नवंबर नवंबर और अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। बात करूंगा दिसंबर महीने की, लेकिन फिर से याद दिला दूं कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा। मीन राशि वालों, दिसंबर का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, हालांकि शुरुआत इस महीने की थोड़ी परेशानियों से ज़रूर होगी, यात्राओं से होगी, लेकिन आगे चलकर ये जो स्थिति है ये काफ़ी आपकी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। आप अपने परिवार के साथ किसी कार्यक्रम में जाते हुए दिखाई देंगे और कुछ सावधानी भी आपको आवश्यक रखनी पड़ेगी, किसी परिजन के स्वास्थ्य के कारण यात्रा पे भी आपको जाना पड़ सकता है। नौकरी पेशा वालों के लिए समय परिवर्तन वाला रहेगा, परिवर्तन इन सेंस कि आप नई जो जॉब को भी पकड़े हैं या नई जॉब लेना चाह रहे हैं उस तरह के की परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। माह के उत्तरार्ध में आप काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहेंगे और अपने कार्यों को शेड्यूल करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है, उन्हें नए रिसोर्सेज से आय होती हुई दिखाई देगी, आपको व्यापार अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, पिछले दिनों जो मानसिक तनाव चल रहे थे उसमें कमी आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय काफ़ी श्रेष्ठ होता हुआ दिखाई देगा। इस माह आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा, अनुकूलता मिलेगी और काफ़ी अच्छा समय मैं कहूँगा रहेगा आपके लिए। आपकी राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा फलदायक समय है जो लास्ट के जो 3 महीने खास तौर से हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपके 4 महीनों का अवलोकन करूं तो लव लाइफ आपकी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन गाड़ी चलाते समय आपको ध्यान रखना है, बड़े निवेश करते समय आपको ध्यान रखना है और किसी की ज़्यादा बातों में आपको ना ही आना है और आपको चाहिए कि आप अपने आप को फोकस करते हुए चलाएं। तो दोस्तों ये हुआ एक छोटा सा अवलोकन जो मैंने आपको दिया, उम्मीद करता हूँ आपको आया होगा पसंद। अगर आपको आया है पसंद तो कर देना शेयर अपने दोस्तों के साथ और मिलूंगा आपसे एक नई मुलाकात में और नए राशिफल में। 2019 का राशिफल मैं आपको बहुत जल्दी पोस्ट कर दूंगा जिससे कि आप 2019 की भी प्लानिंग कर पाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए और आप क्या देखना चाहते हैं ज़रूर बताइए। अगर हाँ, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल एनालिसिस आर पेड, उसके निश्चित फीस आपको देनी होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।